दिल्ली के प्रेमबारी पुल के पास सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस टीम ने हंगामे को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी से 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं तो एक प्रदर्शनकारी को भी चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बल का प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा और 27 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। चार पुलिस व्हीकल्स के शीशे तोड़े गए और एक ट्रैफिक की मोटरसाइकिल को आग लगाने की कोशिश करी गई, जिसको इमीडिएटली पुलिस द्वारा बुझा दिया गया। इस इंसिडेंट में 8 पुलिस पर्सनल और एक सिविलियन को चोट लगी। सभी इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल भेजा गया और ट्रीटमेंट के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया और इसमें राइट के सेक्शंस और क्रिमिनल असॉल्ट ऑन पुलिस पर्सनल ऑन ड्यूटी के सेक्शंस IPC और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन टेक